बजट का मतलब होता है MSP, मनरेगा। बजट में आपने अग्निवीर पर भी नहीं चर्चा की, बजट में एजुकेशन पर चर्चा नहीं की। किसान के बजट को जब आप 19 में आए थे तो 5 कुछ था, अभी 3 कुछ है। जो मिडिल क्लास है आप उसको, आप जो 3 से 7 लाख है उसको आपने परसेंटेज टैक्सेस के बढ़ा दिए। भैया नौकरी के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप, 2 करोड़ जो नौकरी की बात करते थे उस पर चर्चा ही नहीं होती है अब। ना तो आपने विशेष राज की, ना विशेष पैकेज किया, धोखा नहीं दिया आपने, ठगा नहीं, अपने पीठ में खंजर नहीं भोंका। अच्छा एक बात बताइए, अब बजट का मतलब तो सर्वव्यापी है ना, बजट का मतलब होता है MSP, मनरेगा। बजट में आपने अग्निवीर पर भी नहीं चर्चा की, बजट में एजुकेशन पर चर्चा नहीं की। किसान के बजट को जब आप 19 में आए थे तो 5 कुछ था, अभी 3 कुछ है। बजट में 3 का प्रावधान आप कर दिए, मनरेगा में आपने कुछ नहीं किया। आपने ममता आशा रुसैया इन जितनी सारी चीज़ें हैं इस पर आपने बजट में कुछ नहीं किया। रेलवेज़ को एकदम आप ख़त्म ही कर दिया, बजट से बिल्कुल निकाल के ही फेंक दिया। आप जो मिडिल क्लास हैं आप उसको, आप जो 3 से 7 लाख है उसको आपने परसेंटेज टैक्सेस के बढ़ा दिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी आप समझिए ना, छोटी छोटी उम्मीदें गरीबों की इंश्योरेंस में लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें भी आप टैक्सेस कर दिए हो। तो आप बजट को आप ना तो एजुकेशन के लिए देखा, ना तो यूथ के लिए। आप कह रहे हो कि प्राइवेट जगह पर हमने इतने यूथ के इंस्टीट्यूट के लिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी। भैया नौकरी के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप, 2 करोड़ जो नौकरी की बात करते थे उस पर चर्चा ही नहीं होती है। आप रोजगार पर चर्चा ही नहीं कर, आप बात कर रहे हो बस सिर्फ राजनीति और सियासत कैसे हम झांसे में रखें। ये आप हमको बताइएगा ना, आप बिहार की चर्चा करते हैं, बिहार में इनसे विशेष राज मांगा गया, बिहार में इनसे विशेष पैकेज मांगे गए, और इन्होंने पहला वादा बिहार से किया था गांधी मैदान में विशेष राज देने का। दूसरा इन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपया की आरा में चर्चा की थी, 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने बाढ़ पर देने की चर्चा बाढ़ में की थी। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय इनसे पटना का मांगते रह गया भीख नीतीश जी को, इन्होंने नहीं दिया। कोसी बैरेज को रिहैबिलेशन के लिए और फरक्का के रिहैबिलेशन के लिए गंगा महानंदा गंडक कोसी केहर कन्हर बलान इस नदियों को बालू सिलेटी निकालने के लिए और हाईडेम के लिए चर्चा हुई कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल में हाईडेम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस पर आपने चर्चा नहीं की। तो आप जरा मुझको एक बात बताइए, IIM नहीं बनेगा बिहार में, IIT नहीं बनेगा बिहार में, 2.25 करोड़ लोग बाहर पलायन करने जाते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपसे विशेष पैकेज मांगा गया कि चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, फैक्ट्री बंद है, डालमिया नगर बंद है, मक्का पर आप हमको विशेष प्रावधान करो, मखान 94% हम दुनिया को देते हैं उस पर हमको विशेष प्रावधान करो, दूध प्रोडक्शन पर आप हमसे चर्चा करो, फूड प्रोसेसर पर चर्चा करो, इस पर कोई बात नहीं। ना तो आपने विशेष राज की, ना विशेष पैकेज किया। आप 2 साल पहले जो बांका में विद्युत परियोजना थी उसको आप पिरपैती कर दिया। आप जो एक पुल देना था 26,000 करोड़ का, वो पहले से लंबी थी, जो दुनिया में बन रहा है उसको आपने जोड़ दिया। जो दुनिया में 1-1.5 लाख 1.5 लाख करोड़ का NH बन रहा है वहाँ आपने 2 NH, एक बक्सर से भागलपुर, एक पटना से पूर्णिया, जो पुरानी लंबित मामले थी अटल जी से पहले कांग्रेस के समय से, उसको आपने जोड़ दिया। ये कौन सा ही मतलब, आपने धोखा नहीं दिया, आपने ठगा नहीं, आपने पीठ में खंजर नहीं भोंका, आपने बिहार की जनता से सर्वोपरि आप सियासत समझते हैं आप लोग, ये सियासत नहीं है। इसलिए जनता, बिहार की जनता के साथ धोखा है, ना विशेष राज, ना विशेष पैकेज, ना पलायन को रोकने के लिए, ना बाढ़ से मुक्ति के लिए। आप कह रहे हो कि हम चर्चा करेंगे नेपाल से, कब चर्चा कीजिएगा भैया? आप हाईडेम की चर्चा नहीं करते हैं तो बाढ़ से मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो इसीलिए ये बिल्कुल ठीक है, आप यदि नेताओं की खुश करने की बात आपने की है, जिसको सत्ता में चिपके रहना है वो तो ठीक है, ये बिहार के लिए बजट नहीं है। ये सपोर्ट लेने वाला नेता जो पागलपन है बिहार की जनता के प्रति, जिनकी दीवानगी नहीं है और जिन्होंने जिता के भेजा, 30 MP के सपोर्ट के बावजूद भी विशेष पैकेज नहीं मिला, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता।